अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हाँ सर जी सर आप उस्मान की बात कर रहे जी जी सर हैं? ओके अच्छा सर, बाकी इमरान बाकी अभी सर, ज्वाइन अच्छा नहीं हुए अभी ज्वाइनिंग पे कितनी देर तक आते हैं? सर, ग्रुप में मैसेज मैं करता हूँ। ओके ओके मेरी बात तो वही कर रहे हो सर, क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको आवाज आ रही है? हाँ पूछ रही हूँ क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको आवाज आ रही है। हेलो वालेकुम सर, इसको करना है मतलब मैंने लाइव ऑन यूट्यूब करना है या नहीं करना? बस मैंने यहाँ से इसको अनम्यूट ही करना था ना। चलें बस ठीक है ओके। हेलो सर, मैं आपके इंस्ट्रक्टर नहीं आएंगे यहाँ पर आज नहीं सर, लाइव क्लास? सब आते हैं लेकिन आज वो नहीं नहीं इंस्ट्रक्टर मैं आया हूँ आज। सर इमरान आवाज साहब नहीं आए। हाँ आ रही है उसे शायद ऐसी आवाज ऐसी आ रही है वो तो उससे आवाज आ रही जी। मैं ओपन कर है। किया अच्छा था हुआ है इसकी। सर अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम आवाज आ रही है क्लास में स्टूडेंट्स? सर, यहाँ पर बैठो तो वो आ जाती है। नहीं यहाँ से आवाज नहीं आ रही मुझे, आ रही है कि ना आपको वहां तक नहीं आ। स्पीकर किसका? खुला नहीं 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 यार इतनी सर, कैसे लेंगे? पर यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा था और आवाज भी आ रही थी। आवाज भी आ रही थी, आवाज हाँ कान भी आ रही थी। सर, अगर क्लास में आवाज का इशू है तो स्टूडेंट से कहें कि वो अपने लैपटॉप पे ज्वाइन कर लें। चलो कुछ नजदीक है यहाँ पे, मुझे आवाज नहीं आ रही थी तो आप आ गई। ओके ओके हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। यहाँ से वहाँ फुल कर जी जी स्टूडेंट्स आ रही है आवाज, आ रही है क्लास में बच्चों का? यस सर। इसको मैं मिनिमम वैसे तो यहाँ से करता था, लेकिन उन्होंने मुझे आज कहा है कि सिर्फ ना अनम्यूट करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ऑलरेडी हुआ है सब कुछ। स्क्रीन शेयर मैं करूंगा यहाँ से सर। चलिए ठीक है। कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में? सात स्टूडेंट हो गए हैं सर। कितनी स्ट्रेंथ कितनी आप लोगों की? सर जी वैसे तो 27 है, लेकिन वो कुछ ऑनलाइन भी होते हैं ना, तो बस इतने को आते हैं 10। चलें 10 मिनट तक स्टार्ट करते हैं फिर, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं। चलें ठीक है सर। ओके सर।
सर जी 8 स्टूडेंट हो गए हैं तो स्टार्ट करवा दें क्लास। चलें स्टार्ट कर। अच्छा आप लोगों ने अभी आप लोगों का रिडक्स चल रहा था, लेकिन आज जो है ना हम एक नई चीज स्टार्ट करेंगे, रेडिस टेलमेंट CSS। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था बूटस्ट्रैप, और रिडक्स का जो है वो आके सर आपको कंटिन्यू करवाएंगे जी। तो टेलविंड का मुझे बताएं, आप में से किस किस को आइडिया है कि टेलविंड क्या है, किस तरह से काम करती है? सर जी असल में ये सर इमरान कह रहे थे कि हमारी ना 6 क्लासेज रह गई हैं, ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड काफी सारा था जो कवर होने वाला था, तो इसके अंदर रिडक्स भी हमारा अभी पढ़ा हुआ है, कॉन्टेस्ट एपीआई भी पढ़ी हुई थी, तो हमारी 6 क्लासों के अंदर तो फिर ये तो चीजें बैकग्राउंड की क्लियर तो नहीं होंगी फिर, क्योंकि कल साहब आ गए थे तो उन्होंने क्लास हमारी रिडक्स की करवा दी, आज आप टेलविंड करवा देंगे तो बैकएंड की, तो 6 क्लास के अंदर हमारा बैकएंड का तो जो है कंटेंट वो तो कवर नहीं होगा। बैकएंड पे आप लोगों ने क्या फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह कर लिया हुआ सारा? सर हमारा ऑथेंटिकेशन हो रही थी, उसकी एक क्लास अभी रहती थी, उसके बाद सर ने रिडक्स और कंटेंट्स कॉन्टेस्ट एपीआई करवानी थी, उसके बाद मल्टर की लाइब्रेरी करवानी थी। वो करवा देंगे सर, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, मल्टर की लाइब्रेरी इतनी बड़ी नहीं है, वो हो जाएगी जी। अभी देखें सर नहीं आए तो सर साहब मेरी बात हुई थी, सर ने कहा था कि आप जो है ना टेलविंड के बारे में थोड़ा सा बता दो, बाकी वो सर आपको करवा देंगे। चलें ठीक है सर, यानी कि आज टेलविंड का सर जी लेक्चर है। हाँ जी चलें ठीक है सर। अच्छा बूटस्ट्रैप का आपको पता है ना, आप में बूटस्ट्रैप ऐसा तो कोई नहीं जिसको बूटस्ट्रैप नहीं आती यहाँ पे। अच्छा टेलविंड जो है ना एक नेक्स्ट नया स्टेप है इसका, बूटस्ट्रैप के बाद जो आया है टेलविंड CSS, जो कि क्या है आपकी इनलाइन CSS है, जैसे कि हम लिखते थे HTML के साथ क्लासेस दे के या ID दे के हम उसके साथ एक्सटर्नल जाके CSS लिखते थे, सबको आइडिया है इस चीज का। अब टेलविंड क्या है, टेलविंड में हम क्या करते हैं इनलाइन CSS लिखते हैं, जैसे ही हमने कोई भी एप्लीकेशन बनाई और उसके बाद हम क्या करते हैं उसी वहीं पे उसकी लाइन में, जिस तरह आप सबको आइडिया है कि CSS हम इन लाइन भी लिखते थे, कितने तरीके थे इन लाइन इन पेज, और एक एक्सटर्नल तरीका था उसका लिखने का जिसका हम लिंक लगाते थे href में जाके स्टाइल शीट में, राइट? आवाज आ रही है? हेलो आप लोगों को आवाज आ रही है? ऑनलाइन जो है स्टूडेंट सुस्मान अली, फायज रसूल, मिया हसन, स्क्रीन शेयर कर दी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी अब आइए, नेट चला गया था पहले। ओके अच्छा स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, मुझे बताएं कि CSS के कितने तरीके थे लगाने के? जी सर जी CSS एक इनलाइन CSS होती है जी, एक जो फाइल बना के लगाते हैं जी जी एक्सटर्नल जी सर। अच्छा इसमें जो है ना टेलविंड CSS में आपकी जो वेबसाइट है ना वो एक HD लुक के साथ बनती है, आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट साइट्स जो जिनके फॉन्ट साइजेस या फॉन्ट्स जो हैं वो बिल्कुल एक HD लुक दे रहे होते हैं, तो बेसिकली किसके अंदर बनी होती हैं, वो टेलविंड CSS के अंदर बनी होती हैं। ये एक नया जो है आया है बूटस्ट्रैप के बाद, और एक और चीज़ कि आप बूटस्ट्रैप और टेलविंड को एक साथ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जब आप एक साथ यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों की बहुत सी क्लासेस ऐसी हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं, ठीक है? तो जिस तरह बूटस्ट्रैप था हमारे पास, बूटस्ट्रैप को हम यूज़ करते थे, उसके कंपोनेंट्स को यूज़ करते थे, इसी तरह टेलविंड है हमारे पास और टेलविंड में भी उसके कंपोनेंट्स हमें टेलविंड के लहजा से मिलेंगे,
तो आपने ये काम नहीं करना बिल्कुल भी कि आप जो है टेलमेंट का लिंक लगाया और कंपोनेंट्स जो है वो बूटस्ट्रैप ही यूज कर रहे हैं, तो वो वहां पे यूज नहीं होंगे। और अगर उनको यूज करने के लिए आप बूटस्ट्रैप का लिंक लगाएंगे तो वो क्लासेस जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करके आपकी चीजें जो है वो क्या होंगी, खराब होंगी। अच्छा सर जी, रिएक्ट के अंदर अगर हमारी पूरी एक वेबसाइट की ऐप हमने बनाई हुई है तो उसके अंदर तो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके थ्रू भी हम यूज नहीं कर सकते टेलमेंट और बूटस्ट्रैप को एक साथ? नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन यह है कि उसमें अगर आपने शुरू से ही टेलमेंट यूज किया है तो फिर शुरू से टेलमेंट पे ही करेंगे, या फिर अगर आपको अगर उसको बूटस्ट्रैप से टेलमेंट के ऊपर लेकर आना है तो फिर उसकी क्लासेस भी आपको टेलमेंट वाली रखनी पड़ेंगी ना। ठीक हो गया सर जी। और सर जी, बूटस्ट्रैप के अंदर जो तमाम चीजें होती हैं वो स्टेटमेंट के अंदर मिल जाती हैं? उससे ज्यादा मिल जाती है, ठीक ठीक हो गए है। जी। अब आपको आपने बताया अभी कि CSS का एक तरीका था इनलाइन लिखने का भी, जी सर। ठीक है। तो ये हमारी टेलमेंट CSS क्या है, बेसिकली इनलाइन CSS ही है। इसके लिए हमें कोई अलग से फाइल नहीं बनानी पड़ती, ठीक है। इसके लिए हमें कोई अलग से लिंक नहीं लगाना पड़ता, बस हमने एक लाइन लिखी और वहीं पे हमने क्या किया उसकी CSS बता दी। हाँ इससे हमें फायदा क्या होता है, इससे हमें जो है हमारी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में जो टाइम है वो कम लगता है, और इससे हमारी जो क्या स्पीड क्या होती है, तेज होती है वेब को डेवलप करने की। सर जी, टेलमेंट CSS को यूज करते हुए जो रिस्पॉन्सिव का फिर वो मसला नहीं आता? सर रिस्पॉन्सिव का तो बहुत इजी है, इसमें रिस्पॉन्सिव मोस्टली ये ऑटोमेटिक खुद ही कर देता है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है ना ये रिस्पॉन्सिव खुद ही करता जाता है मोबाइल के ऊपर, ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर कोई चीज़ बनानी है तो वो आप जो है बना सकते हैं, वो अभी देखते हैं हम उसको किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, जी फिर मुझे बताइएगा आपको स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। जी सर, हो गई है। अच्छा स्क्रीन शेयर हो गई, ठीक है। चलें सबसे पहले तो हमें टेलमेंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक रिएक्ट की ऐप चाहिए, तो रिएक्ट की ऐप मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया, ठीक है। एक नई एप्लीकेशन मैंने बना लिया, इसके साथ हम क्या करेंगे अपनी टेलमेंट को क्या करेंगे कॉन्फ़िगर करेंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि बूटस्ट्रैप को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करते थे, उसके दो लिंक लगाते थे, एक जी तो वो HTML के पेज के अंदर जाके हम वो कोड लिंक में जाके एक लिंक पेस्ट करते थे, और दूसरा एक बॉडी के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट का उसका एक लिंक लगाते थे, ऐसा ही है। जी चलें सर। अब चलते हैं हम टेलमेंट के ऊपर, ठीक है। ये हमारी टेलमेंट की क्या है, वेबसाइट है। अब यहाँ पे हम गेटिंग, सबसे पहले हमें क्या करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास उसने टेलमेंट को कॉन्फ़िगर करने के कुछ तरीके बताए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसने बताया हमें इंस्टॉल टेलमेंट CSS, तो NPM इंस्टॉल तो आप लोगों को पता है कि हम सब अगर रिएक्ट के अंदर कोई भी लाइब्रेरी या पैकेज हमने इंस्टॉल करना होता है तो हम किसके थ्रू करते हैं, NPM के थ्रू करते हैं उसको, ठीक है। तो ये पहली उसने कमांड दी है CSS को क्या करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं इस लाइन को, और अपनी रिएक्ट के फाइल के ऊपर जाके इसको पेस्ट करते हैं और इसको हम इंस्टॉल करते हैं। सर जी, टेलमेंट CSS को रिएक्ट के अलावा भी हम यूज कर सकते हैं वैसे? जी, आप उसमें भी कर सकते हैं, आप एंगुलर के ऊपर भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट HTML वगैरह के ऊपर भी कर सकते हैं। राइट, जी सर, ठीक हो। ठीक है। ये हमारी इंस्टॉल हो गई है, इसको हम package.json के अंदर जाके कंफर्म भी कर लेते हैं। ये देखें हमारी क्या है, डिपेंडेंसी के अंदर हमारी टेलमेंट क्या हो गई है, इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप उसने हमें क्या बताया, उसने कहा है अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, npx टेलमेंट इनिट। अब हमें क्या करना होता है, एक टेलमेंट की फाइल भी कॉन्फ़िगर करनी होती है इसके अंदर, तो हम ये जो सेकंड वाली कमांड है इसको रन करते हैं अब। तो अब आपने गौर से एक चीज देखनी है, जैसे ही ये कमांड रन होगी ना, यहाँ पे अभी तक हमारे पास टेलमेंट की कोई फाइल नहीं आ रही। जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूंगा मेरे पास यहाँ पे एक टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। जी सर, ये देखें यहाँ पे क्या बन गई मेरे पास, टेलमेंट डॉट कॉन्फ़िग डॉट
जेएस ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट अपनी चीजें जो हैं अगर हमें अलग से यूज करनी होती हैं, लाइक हमें अगर कोई फॉन्ट अलग से यूज करना है या हमें कलर स्कीम अलग से यूज करनी है टेलमेंट से हटके, तो अगर हमें टेलमेंट की कोई लाइब्रेरी या कंपोनेंट इसके साथ कॉन्फ़िगर करना है, तो वो हम सारी चीजें कहाँ पे करते हैं, इस फाइल के अंदर ठीक आगे करते हैं। ठीक है, होगा। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब उसने कहा है कि आपने जो है ना ये कंटेंट जो है अपना, इसको कॉपी करना है यहाँ से। वैसे तो ये पूरी फाइल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेम ही है, मुझे सिर्फ ये कंटेंट यहाँ से चाहिए। इसको कंटेंट को कॉपी करेंगे हम टेलमेंट कॉन्फ़िग के अंदर, अपने इस कंटेंट के साथ क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब हमने इसको रिप्लेस किया, अब हमने इसको बताया कि हम टेलमेंट किस किस के साथ यूज करने वाले हैं, HTML के साथ और JS जी के साथ। अब JS क्या मतलब है कि JS हम जब फाइल की एक्सटेंशन रखते हैं एंड के ऊपर आके, आप लोगों को आइडिया होगा, जब भी हम कोई नई फाइल बनाते हैं तो हम एंड पे एट द एंड उसकी क्या करते हैं, .js उसकी एक्सटेंशन रखते हैं। जी तो इसी तरह डिफरेंट एक्सटेंशन और भी होती हैं, लाइक TSX और TXS, इस तरह की और भी एक्सटेंशन होती हैं। अगर वो भी अगर वो आप में से कोई वो यूज करता है, तो आपको वो भी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी सर। ओके। उसके बाद जो है उसने कहा है कि आपने जो है ना ये तीन चीजें कॉपी करनी है, और अपनी जो है रिएक्ट के अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर जाके इन तीनों चीजों को हमने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। इसको हम डिलीट करते हैं, और इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर आगे हमने क्या किया है, इन तीन चीजों को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। लेकिन अभी भी हमें एक लास्ट स्टेप है जो करना है, इसका CDN लिंक लगाना होता है। अब हमने आना है यहाँ पे प्ले CDN के अंदर। ठीक है, जी सर। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इतना ही काम था हमारा। पहले हमने क्या किया, टेलमेंट को इंस्टॉल किया, सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल को हमने बना इंस्टॉल दिया। किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, कंटेंट के अंदर बताया कि हम टेलमेंट किस किस फॉर्मेट के साथ यूज करने वाले हैं। ठीक है, जी और सर। उसके बाद फिर एट द एंड हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक तीन CSS के जो लिंक्स थे, वो हमने अपनी इंडेक्स डॉट CSS, ये आपने इंडेक्स डॉट CSS के अंदर ही जाके पेस्ट करना है, ऐप डॉट CSS के अंदर नहीं करते ना जाके। ठीक ठीक हो गया। है, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स डॉट CSS हमारा क्या काम करता है, ग्लोबली काम करता है। अच्छा, आप प्ले CDN के अंदर चलते हैं, यहाँ पे हमें एक स्क्रिप्ट टैग मिल जाएगा, ये देखें, ये स्क्रिप्ट टैग सेम लाइक वैसे ही है जैसे हम बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट का टैग बॉडी के जिस तरह लगाते थे खत्म होने से पहले, ये भी कहाँ लगेगा, सेम वहीं पे जाके इंडेक्स डॉट HTML के अंदर बॉडी जहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये टैग लग सीडी जाएगा। ठीक है, अब इतना कर देने से क्या हो गया, हमारी टेलमेंट कन्फिगर हो गई है इसके अंदर। ठीक है, अब उसको चेक भी कर लेते हैं, पहले तो हम अपना प्रोजेक्ट चला के देखते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया, अब हम चलते हैं अपना ऐप डॉट जेएस के अंदर। अब मेरे पास ये क्या आ रही है, एक डिव आ रही है, इसको हम फिलहाल यहाँ पे करते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड को हम करते हैं डिव के अंदर। अब ये आ गया मेरे पास हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये नजर आ रहा है सबको, अभी जी तक हमने क्या किया है, इसके अंदर कोई भी टेलमेंट की क्लास अप्लाई नहीं की। अब हम दोबारा, अब अच्छा, आप लोगों को टेलमेंट की क्लासेस ना याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को एक वो इंस्टॉल करवा दूंगा एक्सटेंशन। ठीक है, उसके अंदर जिस तरह हमें सजेशन मिल जाती है ना, जैसे ही हम स्पेस दबाते हैं तो वो बता देता है आपको कौन सी चीज यूज करनी है, तो वो जी आपको आपके पास टेलमेंट की सारी चीजें वहां पे आपको ऑटोमेटिकली शो करवा देगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट को देखते हैं हम जाके टेलमेंट के अंदर, जाके हम यहाँ पे क्विक सर्च के अंदर यहाँ पे हम टेक्स्ट को सर्च करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट साइज या फॉन्ट साइज,
अच्छा अब ये देखें, उसने हमें बताया हुआ है यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट के जो साइजेस हैं वो क्या हैं। अगर हम टेक्स्ट एक्सएस लिखेंगे वो क्या होगा हमारे पास, 0.75 RAM के इक्वल है, ठीक है। यानी कि वो पिक्सल में अगर हम देखें उसको तो इस 12 पिक्सल के इक्वल है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास टेक्स्ट एसएम मिल जाता है, टेक्स्ट बेस मिल जाता है, एलजी है, एक्सएल, 2XL, 3XL, 4, 5, 6, एंड ये हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, 9XL तक जा रहा है हमारे पास। और ये इसने आगे उसके हमारे पास फॉन्ट साइज उसने खुद ही बता दिया है कि ये जो 9XL है किसके इक्वल है, 8 RAM के, और अगर हम इसको पिक्सल में देखेंगे तो ये 128 पिक्सल के इक्वल है। तो सबसे पहले हम ये लगा के देखते हैं, टेक्स्ट एक्सेल लगा के देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट के अंदर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। अभी तक हमारे पास क्या है, सिंपल हेलो वर्ल्ड है। तो सिंपल यहाँ पे आके हमने क्या करना है, क्लास नेम हम देते थे जिस तरह, क्लास नेम देनी है और स्पेस देनी है। यहाँ पे जैसे ही मैं स्पेस दूंगा ये देखें वो मेरे पास टेलवेंट की सारी क्लासेस ऑटोमेटिकली शो करवाने लग गए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट। अच्छा मजे की बात है, यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे वो साथ साथ बता भी रहे हो। ये देखें जैसे ही मैं टेक्स्ट एक्सेस के ऊपर आया हूँ तो वो यहाँ पे भी वही चीज मेरे पास शो करवा रहा है, ये सबको विजिबल है। ये देखें जैसे ही मैं टेक्स्ट एक्सेस के ऊपर आया हूँ तो उसने मुझे राइट साइड पे भी मुझे बता रहा है कि आपका जो एक्सेस है वो किसके इक्वल है, 0.75 और 12 पिक्सल है, ठीक है। बेस किसके इक्वल है, एलजी किसके इक्वल है, एक्सेल किसके इक्वल है, 20 पिक्सल के। चलें टेक्स्ट एक्सेल करके देखते हैं क्या कोई फर्क पड़ता है कि नहीं उसमें। नहीं अभी टेक्स्ट को कलर दे के देख ले, पता चल जाएगा कि वो लग रहा है कि नहीं यार, टेक्स्ट 2XL की क्लास लगती है उसमें, कोई ना कोई मैं देख रहा हूँ कोई गलती तो नहीं होता की। है ना कि माइनस से फर्क पड़ता है तो पता नहीं चलता है कि नहीं, 2XL अच्छी बड़ी क्लास है। 1 मिनट हम इसके लिंक को देखते हैं, हाँ तो नहीं गलती कर रहे हैं। अच्छा 1 मिनट इसको,
अच्छा यार, लग रही है क्लास और 2XL जो है था ना वो छोटा ही आ रहा था। ये देखें, 9XL मैंने लगाई है तो उसके ऊपर क्लास क्यों हुई है? ये सभी नहीं, मैं कह रहा था ना कभी पता नहीं चलता है। क्लास अप्लाई हो रही है उसके ऊपर। ये देखें, मैंने 9XL लिया है तो उसने क्या किया, मेरे टेक्स्ट को बड़ा कर दी। बड़ा कर दिया। अब इस टेक्स्ट में और अगर आप बूटस्ट्रैप के टेक्स्ट में फर्क देखेंगे ना तो आपको डिफरेंस फील होगा इसकी रेजोल्यूशन में या इसके पिक्सल्स में। ये टेलविंड हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें HD के अंदर टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। अगर मजीद अगर आप टेलविंड को एक्सप्लोर करेंगे ना तो इसके अंदर आपको इसके वो क्या कहते हैं, अगर जिस सिस्टम्स के अंदर GPU या CPU वगैरह का जो हिसाब होता है उसके अंदर, उसके लिहाज से भी आपको इसको कस्टमाइज करने का मौका मिलता है टेलविंड को। ठीक है, तो ठीक ये हो क्या थी हमारी क्लास टेक्स्ट की। इसमें हमारे पास ये डिफरेंट साइजेस हैं, 7XL, 8XL और 9XL। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास फॉन्ट भी मिल जाते हैं, फॉन्ट वेट। तो यहाँ पे फॉन्ट वेट हमारे पास क्या क्या है, थिन है, एक्स्ट्रा लाइट है, लाइट नॉर्मल, और ये हमें हमारे पास कहाँ तक जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड और ब्लैक तक। अच्छा, उसके आगे अगर हम देखें तो उसने हमें चीज़ें भी बताई हुई हैं कि अगर हम ये वाला फॉन्ट यूज़ करते हैं तो वो उसका कितना वेट होगा। हाँ तो जी। अभी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई फॉन्ट अप्लाई करके देखते हैं। तो इसके ऊपर हम फॉन्ट बोल्ड अप्लाई करके देखते हैं। तो ये देखें हमारा क्या किया उसने, फॉन्ट को बोर्ड डाल बोल्ड कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊं ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट 9XL के ऊपर हमारे पास कोई क्लास नहीं मिल रही इंडेक्स सॉरी टेलमेंट में। ऐसा ही था हमारे पास, मैक्स क्या जा रहा था फॉन्ट साइज में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम कितना था, 128 पिक्सल, यानी कि 8 RAM तक हमारे पास क्लास जा रही है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो हमारे पास आ जाता है कि हमें इससे ऊपर भी कोई क्लास देनी पड़ जाती, मतलब मुझे इससे भी बड़ा टेक्स्ट चाहिए, तो हाँ जी। हमें टेलविंड के अंदर हम अपनी चीज़ों को किस तरह से कस्टमाइज करते हैं ये देखिएगा। अब गौर से आपने एक चीज को देखनी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट सेम वैसे ही, और डैश दे के हम पहले क्या लिख रहे थे, LG या 9XL जो भी हमें चाहिए था। ठीक है, ये तो थी टेलविंड की क्लास। अब अगर मुझे अपनी कोई कस्टमाइज देनी है ना, मतलब मैं चाहता हूँ मुझे इसको पिक्सल में कोई चीज देनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आके हमें ये एक अरे वाली दो ब्रैकेट्स लगानी है टेक्स्ट के बाद। ठीक ठीक है, और इसके अंदर मैं अपनी मर्जी का क्या कर सकता हूँ, साइज दे सकता हूँ। ये देखिए मैं इसके अंदर क्या करूंगा, 400 पिक्सल लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब मेरा क्या होगा, वो हेलो वर्ल्ड फोर ठीक हंड्रेड पिक्सल के ऊपर चला गया। तो 9XL के बाद या टेलविंड की कोई भी क्लास जिसकी लिमिटेशन खत्म हो जाती है, अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आके अरे वाली ओपन, एक ओपन ब्रैकेट और दूसरी उसकी क्लोजिंग क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अंदर आके आप अपनी मर्जी का कोई भी साइज दे सकते हैं। तो इसको फिलहाल अभी एक्सेल के ऊपर ही रखते हैं यहाँ पे, तो 4XL करते हैं इसको। और मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको करता हूँ टेक्स्ट सेंटर। ये देखें, टेक्स्ट और सेंटर, ये मेरा टेक्स्ट क्या आ गया, सेंटर में आ सेंटर में रही। आ गया। अब आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से टेलमेंट को यूज करके हम अपनी जो है कोडिंग को फास्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल एक लाइन में हेलो वर्ल्ड लिखा और यहाँ पे मैंने उसको टेक्स्ट दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया उसको टेक्स्ट एंटर कर दिया। नहीं तो अगर हम करते सीएसएस में तो
पहले मुझे यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाना पड़ता, उसके अंदर फिर मुझे कर्ली ब्रेसेस, फिर एक दफा से कर्ली ब्रेसेस, फिर उसका दे के आगे, वो कितना लंबा सा काम हो जाता है। जी सर, ठीक है, तो ये हमें टेल बेल्ट ये का ये बेनिफिट है कि हम इनलाइन ही हम उसको लिखते हैं, और जिससे हमारी जो है वेब की जो कोडिंग की स्पीड है वो भी हमारी क्या होती है, फास्ट होती है। तो इसको खैर इसको कर लेते हैं, फॉन्ट को बोल्ड भी कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल हमें वही मिल जाता है, अगर हमें इसको पैडिंग देनी है या मार्जिन देना है तो टेलमेंट सॉरी बूटस्ट्रैप की तरह ही जो क्लासेस हैं हमारी वो यूज होती हैं। मार्जिन टॉप में हमें अगर देना है तो मार्जिन टॉप में एम्प्टी आ जाएगा, ये देखिए वो ऑटोमेटिकली मुझे क्या करता है आगे दे देता है। अब इसमें भी हमें क्या मिलता है, 96 तक मिलता है, ऑटो मिलता है, या इसकी ये कुछ चीजें मिलती हैं माइनस के अंदर भी इसमें। अच्छा, बूटस्ट्रैप के अंदर हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलती हैं, आप लोगों ने बूटस्ट्रैप यूज किया आप लोगों को आइडिया होगा कि जी सर, जब भी हमें किसी को कोई पोजिशन रिलेटिव या एब्सोल्यूट वगैरह देनी होती थी उसमें हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलती थी। इसमें हमें क्या है, इसमें हमें नेगेटिव वैल्यूज भी मिल जाती हैं, सिर्फ ये क्या है हमें नेगेटिव उसको क्लास से पहले लगाना पड़ता है। ये देखें जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी हमें इसके अंदर मिल रही हैं। तो मैं अगर इसको मार्जिन टॉप 96 देता हूँ तो ये देखें मेरा अप्लाई हो जाएगा मार्जिन टॉप 96। ठीक है, अब मुझे अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या मुझे अगर इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, मान लेते हैं हम मुझे क्या करना है हेलो वर्ल्ड के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो सिंपल है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा टेक्स्ट आगे डैश फिर मुझे जो भी कलर रखना है उसका, मैं कहता हूँ मुझे रेड कलर रखना है। ठीक है, मैं रेड लिखूंगा। अच्छा, मजे की बात, अब इसमें हमें आगे इंटेंसिटीज भी मिलती है कलर्स की, हमें रेड 50 रखना है, 100 रखना है, 200, 300, हमें उस लिहाज से वो उसने साइड पे क्या कर रहा है वो देखें, कलर भी हमें शो कर रहा है रेड के, जितने मैंने रेड लिखा उसने मुझे क्या किया, जितने रेड थे उसने सारे रेड मुझे ऑटोमेटिकली क्या किया दे दिए। जी सर, ठीक है, अब मुझे जो भी इसके अंदर से कलर चाहिए मैं यहाँ से क्या करूंगा सिलेक्ट करूंगा, मैंने क्या किया टेक्स्ट रेड 500 कर दिया और मेरे पास क्या हो गया मेरा टेक्स्ट रेड के अंदर आ गया। सेम इसी तरह अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा बीजी और येलो कर देते हैं इसको, इसी तरह येलो के अंदर भी मेरे पास सारे कलर्स आ जाएंगे। ठीक है, आप जो भी कलर लिखेंगे उसके जितने भी वेरिएंट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे वो आपको सारे शो करवा देगा, फिर वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा चूज करते हैं। अब बीजी का कलर मुझे येलो रखना था तो मैं यहाँ से क्या करूंगा बीजी का कलर मुझे येलो कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ, जी सर, जी ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसके ऊपर आते हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर तो हमें बनी नई चीजें भी मिल जाती थी, लाइक नेव बार मिल जाती थी, ड्रॉप डाउन बटन, एलिमेंट्स वगैरह मिल जाते थे, ऐसे ही है। जी सर, अच्छा, अब हम बूटस्ट्रैप तो यूज नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम टेलमेंट के साथ बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर सकते, तो अब हमें अगर बनी बनाई चीजें चाहिए, ठीक है, तो अब हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी जो है वेबसाइट्स हमें मिल जाती हैं, जो कि बेस्ट मैं यूज करता हूँ वो ये है हमारे पास, क्या नाम है इसका, टेलमेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ठीक है, यहाँ पे जाके दोबारा लिखते हैं, यहाँ पे अगर आप इसके अंदर जाके यूआई देखेंगे ना, इतने इतने मजे की यूआई की चीजें इसके अंदर बनी हुई हैं कि आपको ऐसी चीजें बूटस्ट्रैप में भी नहीं मिलेंगी। टेलमेंट एलिमेंट्स ये देखें, 500 प्लस फ्री कंपोनेंट्स इसके अंदर क्या मिलते हैं हमें, मिल जाते हैं। अब गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं हम अपनी चीजें देखते हैं इसके अंदर हमें मिलता क्या क्या, कंपोनेंट्स के अंदर चलते हैं, ये देखें मेरे पास जितने कंपोनेंट है ये सारे आ गए मेरे पास, ये देखें ये कोडेशन आ गया, ये अलर्ट्स आ गए हमारे पास, ये डिफरेंट अलर्ट्स आ जाते हैं। अवतार की अगर हम बात करें, देखें अवतार हमारे पास बने हुए मिल जाएंगे, ये देखें डिफरेंट हमें बैजेस की अगर हम बात करें इसमें हमें बैजेस मिल जाएंगे, ये देखें नोटिफिकेशन 7, और उसके बाद फिर हम बटन ग्रुप की बात करते हैं तो ये हमारे पास बटन्स मिल जाते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे टाइमलाइन की बात करें तो ये देखें ये हमारे पास टाइमलाइन की, ये देखें बनी बनाई चीजें हमारे पास, और बेहतरीन किस्म की टेलमेंट के अंदर हमें
मिल जाती है। ये देखें कार्ड्स के ऊपर चलते हैं, ये हमारे पास कार्ड्स आ जाएंगे। ये देखें इसी तरह मैं यहाँ पे आपको फॉर्म दिखाता हूँ, इसमें हमें बने बनाए फॉर्म भी मिल जाते हैं। ये देखें ये तो इतने अच्छे नहीं है, खैर यहाँ पे मैं अभी कल ही देख रहा था इनके पास फॉर्म बने हुए थे इनपुट के अंदर, फॉर्म्स के अंदर आके लॉग इन फॉर्म। ये देखें ये नजर आ रहे हैं जी सर, ये देखें कितने मजे के उन्होंने लॉग इन फॉर्म आपको बना के दिए। हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट इनका कोड यहाँ से हमें कॉपी करना है और ये क्या होंगे हमारे वहाँ पे शो हो जाएंगे। और सबसे मजे की बात ये रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिक, जिस मर्जी स्क्रीन के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेपार के ऊपर, पहले तो सबसे पहले हमें इसको इंटीग्रेट करना है ना, अभी तक ये हमारी टेलग्रिन के साथ इंटीग्रेट नहीं है। तो पहले हम बूटस्ट्रैप को क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, और वो बूटस्ट्रैप की ही सारी चीज़ें क्या होती थी हमारी ऑटोमेटिक इंटीग्रेट होती थी, लेकिन इसमें हमें पहले इस टेलमेंट एलिमेंट को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, इन्होंने यहाँ पे ऑटो जो है खुद बता दिया इंटीग्रेशन। अगर आप देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड के आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जी सर, किस किस के साथ है ये देखें, एंगुलर, जेंगो एक्सप्रेस, लारावेल, नेक्स्ट, रिएक्ट, रिमिक्स, सॉलिड, वीयूई, ये सबके साथ आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें किसके साथ करना है, रिएक्ट के साथ। तो यहाँ पे आके हम इंटीग्रेशन में आके हम क्या करेंगे, रिएक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो रिएक्ट को तो वो सिलेक्ट करेंगे, वो शुरू में आपको तरीका बताएगा सारा, रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, ये वो ये भी हमने कर लिया, टेलमेंट इंस्टॉल कर ली, इनिट भी कर लिया। अच्छा यहाँ पे आके ना हमने जो वहाँ पे HTML और वो कॉपी किया था ना JSS जी JS, सर सिर्फ यहाँ पे आके जो है आपने ये इस पूरी फाइल को कॉपी कर लेना कंटेंट वाली, ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है यहाँ पे। अगर आप देखें यहाँ पे ये यह देखें कंटेंट की फाइल को मैंने क्या किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो है हम एक और काम करना होता है प्लगइन्स। ये देखें आपको यहाँ पे अगर मैं अपना प्लगइन्स दिखाऊं, अभी फिलहाल मेरे प्लगइन्स के अंदर कुछ नहीं पड़ा यहाँ पे, ठीक है। जी और हमें यहाँ से इसके प्लगइन्स को भी कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ से आके हम मुझे क्या करना है इसके प्लगइन्स को, सॉरी इसके अंदर प्लगइन्स के अंदर आके मुझे इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। इतना कर देने से क्या होगा, अभी उसने एरर दे दिया क्योंकि अभी हमने उसको इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। तो ये काम भी हमने ऑलरेडी कर लिया है, और इस लिंक टैग को वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर लगा लें तो कोई मसला नहीं है, ये कोई फॉन्ट वगैरह का होता है, इसको भी लगा लेते हैं हम यहाँ पे चले। अब हमें एक लास्ट स्टेप है कि इसको हमें इंस्टॉल भी करना है, एक लाइब्रेरी है इसको हमें कॉपी करके यहाँ पे सेम जिस तरह हम NPM के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, हमें इसको इंस्टॉल करना है यहाँ पे NPM इंस्टॉल TW एलिमेंट्स। ठीक है यहाँ तक किसी को कोई इशू, नहीं सर, देखें उसने बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको बता दिया। अगर आप डायरेक्टली टेलमेंट एलिमेंट्स के ऊपर आके भी अपनी जो है टेलमेंट को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं आके। यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी कर लिया था सिंपल, हमने यहाँ से ये दो चीज़ें कॉपी पेस्ट की और हमने एक उसकी जो पैकेज था वो हमने उसको इंस्टॉल किया। अगर मजीद अगर आप उसको नीचे देखेंगे ना तो आपको ये भी बता देगा आपने इसके अंदर चीज़ें लगानी किस तरह से हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि इसके अंदर से चीज़ें किस तरह से लगेंगी। तो अब देखें मेरी जो है सक्सेसफुल हो गई है, कोई उसके अंदर एरर नहीं है, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड की जगह अभी हम हटाते हैं इसको ऐप को और हम अपनी कोई नैबार लगाते हैं इसके अंदर। तो नैबार के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले अपना कोई कंपोनेंट बना लें नैबार का, जी ठीक है। सेम देखें आप उसी तरह काम होगा जिस तरह बूटस्ट्रैप के अंदर करते थे। सोर्स के अंदर अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे मुझे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ मैं कंपोनेंट्स का, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, अपनी एक नैबार बनानी है, फाइल बना के navbar.js, और यहाँ पे हम अपनी एक नैबार क्रिएट कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास नैबार, और इसको app.js में जाके हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर इंपोर्ट कर देंगे इसको। हमने नैव बार को इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे,
कॉल करवाएंगे नैब पर, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास ये क्या हो गया, नैब पर हमारी यहाँ पे शो हो गई यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं नैब पर, ठीक है। ये आ गई हमारे पास नैब बार, फिर डिफरेंट नैब बार्स हैं इसके अंदर, आप अपनी मर्जी से कोई भी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप चूज कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट वन ही है तो हम फर्स्ट वन उठा लेते हैं। देखें यहाँ पे नीचे हमारे पास आ रहा है शो कोड, जैसे ही मैं शो कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे पास नीचे सारा कोड क्या हो गया, उसने नैब बार का दे दिया। अब यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और सिंपल मुझे क्या करना है, नैब बार के अंदर जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है ऐसे। अभी इसके अंदर एरर होगा, एरर इसलिए होगा क्योंकि अभी हमने इसको, वो आपको याद होगा कि जब हम बूटस्ट्रैप से लेकर आते थे कोई नैब बार, तो वो कुछ हम इस तरह करते थे, कन्वर्ट करते थे ना उसको HTML टू JSX, ठीक है। सिंपल हमें यहाँ भी वही काम करना है, हमें इस पूरी फाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसको राइट क्लिक करके क्या करना है, कन्वर्ट HTML टू JSS, ठीक है। अब देखिए मेरे, उसने जितने कमेंट्स पहले हमें शो हो रहे थे उसने उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट के अंदर, सॉरी कमेंट्स के अंदर भी क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अच्छा इसको ऑल्ट प्लस जी कर लेते हैं ताकि जो टेक्स्ट हमारा बाहर जा रहा है ये ना जाए। अब ये देखें अगर आपको इसके अंदर गौर करें ना, इसके अंदर सारी क्या लिखी हुई है, टेलविंड CSS लिखी हुई है, ये देखें इनलाइन, ये सारा क्या लिखा हुआ है, ये इनलाइन CSS लिखी हुई है सारी, टेलविंड CSS। तो अब जाके हम देखते हैं, ये देखें हमारी नैब बार क्या हुई, नैब बार लग गई हमारी यहाँ पे, ठीक है, ये सबको विजिबल है जी सर। अब मजे की बात, इसको हम वो भी करके देखते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक करते हैं, ये देखें इसकी रिस्पॉन्सिवनेस, इसको 4K के ऊपर देखें, लैपटॉप के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, ये मोबाइल लार्ज आ गया हमारे पास, मोबाइल मीडियम, सबसे स्मॉल मोबाइल के ऊपर ये देखें। अच्छा अभी ये मेरे पास काम नहीं कर रहा, ये क्यों काम नहीं कर रहा भाई, ये देखें मैं जैसे ही, अब मेरे पास जैसे ही मोबाइल रिस्पॉन्सिव हुई मेरे पास ये बार काम नहीं कर रही, होना तो ये चाहिए ना, बार के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे मेरे जो है वो शो होने चाहिए, लिंक्स शो होने चाहिए मुझे मेरे, लेकिन अभी मेरी ये बार काम नहीं कर रही। वो इसलिए नहीं कर रही, आपने गौर किया होगा यहाँ पे हमारे पास दो कोड थे, एक HTML का दूसरा जावास्क्रिप्ट का, तो आपने ये इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब भी आप यहाँ से कोई कोड कॉपी कर रहे हैं अक्सर आपको इशू आएगा नैब बार में या ड्रॉप डाउन में या जब आप वो लगाएंगे ना कैरोसेल्स वगैरह, तो अक्सर यहाँ पे उसने दो कोड दिए होते हैं, HTML का तो हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो है वो ध्यान नहीं जाता, और फिर हम सोच रहे होते हैं कि हमारा ड्रॉप डाउन काम नहीं कर रहा या हमारा जो है कैरोसेल काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आके हमें इस कोड को भी कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करके ऊपर यहाँ पे इम्पोर्ट वाली जगह पे आके पेस्ट करना है हमें इसको, ठीक है। अब अगर हम देखें उसमें जाके दोबारा से, तो ये देखें मेरा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसके अंदर एक नैब बार लग गई हमारी, ये और भी इसके अंदर बड़े मजे के सेक्शंस मिल जाते हैं, अगर हम इसके अंदर हीरो सेक्शंस की बात करें तो मैं आपको हीरो सेक्शंस दिखाता हूँ, इसके अंदर बड़े मजे के मिल जाते हैं, ये देखें बने बनाई चीजें आपको मिल जाती हैं, ये देखें अच्छा बाकी का प्रोसेस जो है वो क्या है हमारे पास सेम है। अब अगर मैं चलता हूँ होम के अंदर ही, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं home.js। अब हम देखते हैं कि हम अपने जो हम चीज़ें बना रहे हैं उसको हम क्या करते हैं अपनी डिफरेंट जो स्क्रीन्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या 4K स्क्रीन के ऊपर या सबसे छोटे मोबाइल के ऊपर उसको हम किस तरह से क्या करते हैं कस्टमाइज किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं अपना एक टेक्स्ट ले लेता हूँ,
यहाँ पे एक मैं डिव लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया, और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, अपनी ऐप डॉट जे एस के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नैव बार के नीचे मेरा हेलो वर्ल्ड शो हो गया। आवाज आ रही है? जी जी सर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं इसको फिलहाल थोड़ा सा टेक्स्ट इसका बड़ा कर लेते हैं, और एक्सेल टेक्स्ट इसको सेंटर में कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसको भी करते हैं मार्जिन टॉप 52 दे देते हैं इसको, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। अच्छा, ये इसका जो एक्सटेंशन मैं आपको बता रहा था कि ये जो ऑटोमेटिक सजेशन दे देता है, तो इसके लिए हमें मिल जाती है यहाँ पे एक्सटेंशन इंटेलिजेंस, टेलविंड इंटेलिजेंस। अगर आप यहाँ पे आएंगे लिखेंगे टेलविंड, ये देखें, ये आप लोगों ने आगे इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। टेलविंड सीएसएस इंटेलिजेंस जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, सजेशंस वो आपको देना शुरू कर देगा, ठीक है। ये वाली जो है ये एक्सटेंशन नोट कर लें सब, टेलविंड सीएसएस इंटेलिजेंस। अच्छा, हेलो वर्ल्ड अभी अब मैं देखूं तो मेरे पास शो हो रहा है यहाँ पे, मेरे पास 4K के ऊपर भी वही शो हो रहा है, ठीक है। मेरे पास लैपटॉप लार्ज पे भी वही शो हो रहा है, टैबलेट के ऊपर भी वही शो हो रहा है, मीडियम के ऊपर भी, और लार्ज और स्मॉल सब के ऊपर हेलो वर्ल्ड का कलर मुझे एक ही शो हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जब स्मॉल स्क्रीन हो ना मोबाइल की, हेलो वर्ल्ड का कलर चेंज कर दो, ठीक है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पहले तो हम चलते हैं टेलविंड के अंदर, थोड़ा सा हम देखते हैं ये काम किस तरह से करता है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं कंटेनर, तो यहाँ पे देखें हमारी स्मॉल स्क्रीन कहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे किसके बाद 640, मीडियम कहाँ तक आती है हमारी 768, LG का उसने बता दिया है 1024, XL लेता है 1280, और 2XL हमारी आती है यहाँ पे 1536। तो हमें अभी फिलहाल काम करना है यहाँ पे SM के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ, यहाँ पे आके मुझे SM के साथ जब काम करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना है मैक्स SM, ठीक है। ये देखें मैक्स SM आ गया यहाँ पे, जी सर, ठीक है। मैं कहता हूँ मैक्स SM के ऊपर इसका क्या करो, टेक्स्ट का कलर क्या कर दो, रेड कर दो, ये देखें जी सर। उसने क्या किया, मैक्सिमम स्क्रीन के ऊपर जैसे ही छोटा हुआ, अब ये मैक्स SM कहाँ तक जाएगा हमारा, क्या बताया था उसने यहाँ पे हमें 640, ठीक है। अब 640 के अंदर अंदर जितनी भी मेरी स्क्रीन साइजेस होंगी उसके ऊपर मेरा टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अब देखिए मैं इसको इंक्रीज करता जाऊंगा, यहाँ पे अगर आपने गौर करना है यहाँ पे भी मेरे पास वैल्यूज बढ़ती जा रही है। अब 640 के अंदर अंदर मेरा क्या रहेगा, ये टेक्स्ट रेड रहेगा, ये देखें जैसे ही 640:39 हुआ, अच्छा वो मैक्स था, तो जैसे ही 640 के ऊपर गया उसने क्या कर दिया, उस टेक्स्ट को छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास क्या शुरू हो गया, मीडियम स्क्रीन शुरू हो गई इसके बाद मेरे पास, ठीक है। ये देखें उसके बाद मेरे पास क्या शुरू हो गया, मीडियम 768 से मेरे पास मीडियम स्क्रीन शुरू हो गई। तो अब मैं कहता हूँ अब जैसे ही मेरे पास मीडियम स्क्रीन के ऊपर आए तो MD लिखेंगे, मीडियम स्क्रीन के लिए हमें क्या लिखना है, MD, MD लिखा, MD के ऊपर टेक्स्ट को क्या कर दो, येलो कर दो, हो गया येलो हमारे पास, जी सर, ठीक है। ये ऊपर क्या आ गया हमारे पास 768, यहाँ पे मीडियम उसने क्या बताया था 768, मैंने उसको क्या क्या मीडियम के ऊपर मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट
येलो चाहिए और 500 चाहिए। तो जैसे ही क्या हुआ, मीडियम को उसने हिट किया तो ऑटोमेटिकली मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, येलो हो गया यहाँ पे। और अब मैं दोबारा अगर इसको ले जाता हूँ उसके ऊपर 640 के ऊपर, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, रेड रेड हो जाएगा। और अगर सिंपल इसको बड़े के ऊपर ले जाएं तो ये बड़े के ऊपर भी ये, मीडियम के ऊपर भी ये, वही अप्लाई होगा जब तक हम उसको अब बता नहीं देंगे। अब हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं ना, जी सर, तो अब ये सबके ऊपर अप्लाई कर देगा। ये तब तक अप्लाई करेगा जब तक अब हम उसको बता नहीं देंगे कि अब हमें क्या चाहिए। अब इसके बाद क्या आ रहा है, एलजी आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूंगा, इसको एलजी के ऊपर ही आएंगे यहाँ पे। एलजी के ऊपर क्या करो, टेक्स्ट को पर्पल कर दो। हो गया मेरा टेक्स्ट पर्पल, ठीक जी है। तो इस तरह से हमें हमारी ये वाली क्लासेस काम करती हैं। सिर्फ एसएम के लिए आपको क्या यूज करना है, मैक्स मैक्स एसएम। बाकी सबके लिए सेम ही है, मीडियम के लिए एमडी और लार्ज के लिए लार्ज, और बाकी सेम यहाँ पे जो उन्होंने बताए हैं, एक्सेल और 2XL। तो आपने मैक्स अपने अकॉर्डिंग जो है स्क्रीन साइजेस को क्या करना है, उसको एडजस्ट करना। अच्छा, आप थोड़ा सा ना इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ ग्रिड सिस्टम का, कि इसके अंदर ग्रिड सिस्टम किस तरह से काम करता है और हम अपने जो कॉलम्स हैं उनको किस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक जी सर, है, तो यहाँ पे हम एक डिव लेते हैं और उसके अंदर मेरे पास जो क्लास आएगी ना वो क्या आएगी, ग्रिड आएगी। क्लास क्या आएगी मेरे पास, ग्रेट ग्रिड आएगी। ठीक है, अब ये ग्रिड आ गई। अब ये मेरे पास ना एक मेन सेक्शन आ गया। ठीक है, अब मुझे जी इसके अंदर मैं दो डिव्स लेता हूँ। ठीक है, डिव मल्टीप्लाई बाय टू, मैंने दो डिव्स ले ली, एक मैंने ले ली वन, एक मैंने ले ली टू। अब अगर दोबारा यहाँ पे वापस आए ना, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास ऊपर नीचे आ रही है दोनों डिव्स। जी सर, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ भाई मुझे एक लाइन में कितने कॉलम्स दिखाने हैं। मतलब ये मेरे पास एक लाइन पूरी 12 होते हैं ना हमारे पास, ये तो सबको हाँ पता है। अब 12 में से मुझे कितने दिखाने हैं, एक इसके ऊपर, एक जो है मेरी प्रो उसके अंदर कितने कॉलम्स दिखाने हैं मुझे, दिखाने हैं। मैं उसे कहता हूँ मुझे दिखाने हैं ग्रिड कॉल टू। ठीक है, अब जैसे ही मैं ग्रिड कॉल टू लिखूंगा, देखें उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, 6 की जगह 1 को दे दी और अगली 6 की जगह किसको दे दी, को टू को दे दी। ये देखें मेरे पास, मैंने क्या किया, एक डिव बनाई, उसको मैंने क्लास दी ग्रिड, और उसके अंदर मैंने क्या किया, जो दो थी ना मेरे पास, हाँ अब जी दो थी, मैंने उसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ये दोनों क्या हो, शो हो यहाँ पे, दो कॉलम शो हो मेरे पास। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं छोटी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे भी मेरे पास क्या शो हो रहा है, दो ही शो हो रहे हैं यहाँ पे, दो ही शो हो रहे हैं यहाँ पे मेरे पास। ठीक, अभी अगर दो ही शो हो रहे हैं इसका मतलब है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिवनेस को खराब करेगा। जी ठीक है, अब यहाँ से अगर इसकी विड्थ बड़ी हो जाती है सेकंड कॉलम में, अगर मैंने कोई भी कैरोसेल वगैरह लगाया तो ये मेरी क्या कर देगा, मोबाइल स्क्रीन को, इसकी विड्थ को खराब कर देगा। तो मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो ग्रिड कॉल टू है ना, ये मुझे सिर्फ एल जी के ऊपर ही शो करवाना है। तो मैं इसके पहले क्या लगवा दूँ, लगा दूंगा एल जी। जी ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो वन और टू है ना, ये सिर्फ एल जी जो बड़ी स्क्रीन है उसके ऊपर ही दो शो हो, बाकी के ऊपर ये एक एक ही शो हो। ठीक है, अब तो देखें मेरे पास जितनी बड़ी स्क्रीन है उसके ऊपर दो शो होंगे। अब जैसे ही मैं मैक्स एसएम के ऊपर ले जाता हूँ, उसने क्या किया, उसको दो एक बना एक कर दिया उसने दोनों को ऑटोमेटिक, यानी रिस्पॉन्सिव कर दिया ना उसने। जी अब जी मैंने उसको बता दिया कि सिर्फ मुझे एलजी के ऊपर ही दो चाहिए। ठीक है, जी तो यहाँ पे अब मैं अगर इनका बीजी कलर भी दे के देख लें तो ज्यादा आपको फर्क नजर आएगा। बीजी रेड 200 दे देते हैं इसको यहाँ पे, और यहाँ पे आके अगर हम क्लास दे दें इसको बीजी ग्रीन 200, ये देखें। ठीक है, अब मजे की बात, इसको जो जिस मर्जी स्क्रीन के ऊपर ले जाएं, ये देखें जैसे ही अब एलजी को टच किया उसने, वो दो ना वो दो हो गया ऑटोमेटिकली। अब ये देखें रिस्पॉन्सिव बन गई कितने मजे की। जी ठीक है,
अब मजे की बात, इसमें अब टेक्स्ट को सेंटर करना है हमें, ठीक है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अब इसको टेक्स्ट को सेंटर करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट सेंटर हो सिर्फ छोटी स्क्रीन के ऊपर ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैक्स एसएम के ऊपर मैं क्या सेंटर करूँगा, इसको टेक्स्ट को क्या कर दो, मुझे सेंटर कर दो। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, टेक्स्ट सेंटर हो गया, जिसमें टेक्स्ट लिख भी लेते हैं कुछ, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसको PNY ट्रेनिंग्स, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखिए मैं इसको, मैंने मैक्स एसएम के ऊपर उसको क्या किया था, टेक्स्ट एंटर किया था, ऐसे ही है। अब उसने मीडियम को हिट किया, तो मीडियम और लार्ज के ऊपर वो क्या होंगे हमारे, जैसे ही हमने उनको रखा हुआ था, ये देखिए वो जैसे ही मैक्स एसएम के ऊपर हिट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा टेक्स्ट क्या हो रहा है, सेंट्राइज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने मजे से आप पूरी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी बना सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये दोनों साथ जुड़े हुए हैं, मुझे जो है हेलो वर्ल्ड और PNY ट्रेनिंग्स के दरमियान में थोड़ी सी क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, ऐसा ही है। जी तो अब इन दोनों के दरमियान में अगर मुझे स्पेस देनी है, तो यहाँ पे हमें मेन वाले को जाके देनी पड़ेगी ना, क्योंकि मेन वाले के अंदर हैं ये दोनों, सर ठीक है। तो यहाँ पे आके मेन वाले के अंदर हमें टेलमेंट के अंदर एक क्लास मिलती है स्पेस वाई, और यहाँ पे मैं कहता हूँ टू कर दो। ये देखिए उसने क्या किया, दोनों के दरमियान में दो की क्या की उसने, जो जी है स्पेस दे दी। अब इसी तरह ये मैंने स्पेस वाई दी थी, कल को अगर कोई आपको रोज का या विड्थ में अगर आपको मिल जाता है, लाइक अगर मैं इसको इस तरह से जाऊं, तो यहाँ पे ये हमें किसके ऊपर चाहिए थी, अब ये देखें यहाँ पे उसने क्या किया, इसने उसको ये भी खराब कर दिया LG के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्या गलती की, यहाँ पे मैंने ये गलती की, मैंने स्पेस वाई टू सब स्क्रीन के लिए दे दिया, जबकि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मुझे तो सिर्फ किसके लिए चाहिए था, वो मैक्स जी एसएम के, मैक्स एसएम के ऊपर मुझे क्या करना था, उसको स्पेस वाई उसको टू करनी थी, ठीक है। अब देखें मेरा ये ठीक हो गया बिल्कुल। अब इसी तरह मुझे इन्हीं के इन दोनों के दरमियान स्पेस चाहिए होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एक्स लिख सर। देंगे हम, ठीक है। इस चीज की समझ आ गई, अच्छा सर जी, जैसे ग्रिड आपने यूज किया है, डिस्प्ले जो फ्लेक्स फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं इसके साथ। नहीं ग्रिड या फ्लेक्स में से एक चीज यूज करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे फ्लेक्स करूंगा ना, वो एरर दे देगा, देखिए उसने जी येलो लाइन शो करवा दी है ना नीचे दोनों के। अब ग्रिड वो ग्रिड के साथ आप फ्लेक्स नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, वो ग्रिड भी फ्लेक्स वाला ही काम करती है यहाँ पे, जी ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि सर किस तरह से हम अपनी जो है रिस्पॉन्सिव चीजें बना सकते हैं। मतलब अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और ये मेरे पास एक सेक्शन बना हुआ है, और चले हम इस सेक्शन को ही उठाते हैं, यहाँ पे आते हैं और इस सेक्शन को भी एक लगा के देखते हैं, हम इसका गेट कोड करते हैं यहाँ से, मेरे पास पहले हम ये तीन कोड उसने दिए हैं ऊपर, HTML SCSS और JS। JS के अंदर हमें कुछ नहीं मिल रहा, इसके अंदर भी कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब है हमारे पास सारा का सारा कोड कौन सा है, HTML एचटी का ही कोड है। तो हम यहाँ से आके इस कोड को कंट्रोल ए कर से सी करते हैं, और यहाँ पे आके अपना एक क्या करते हैं, एक अलहदा से फाइल बना लेते हैं, और इसको हम कहते हैं हीरो सेक्शन डॉट JS। और ये क्या चीज थी, अगर इसके अंदर कोड पड़ा हुआ है तो उसको क्या करना था। नहीं उसके वो कुछ नहीं है, उसके अंदर नहीं होती, ये CSS की होती है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अच्छा हम टेलमेंट यूज़ कर रहे हैं ना, वो टेलमेंट जी, जिनके लिए नहीं होती वो उसमें फिर कोड लिखा जाता है। ठीक ठीक है, अब यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, और सेम यहाँ पे भी वही वाला काम करेंगे, कन्वर्ट करने वाला इसको, कन्वर्ट HTML टू
यस एक्सेस ठीक है। और अब हमें इसको कहाँ पे कॉल करना है, होम स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर होम स्क्रीन आ गई है। हेलो वर्ल्ड और पी एन वर्ल्ड ट्रेनिंग्स को ख़त्म नहीं करते हम फिलहाल, चले हमने ग्रिड तो बना ही लिया है, तो हम क्या करते हैं अपना जो हेलो वर्ल्ड पहला है हमारा इसके अंदर हम पेस्ट करके देखते हैं। ठीक है यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे कॉल कराते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हीरो सेक्शन हमने इंपोर्ट किया और यहाँ पे हम अपने पहले 6 के ऊपर क्या करते हैं इसको कॉल करवाते हैं। ठीक है जी ये देखिए मेरे पास क्या हुआ, वो सेक्शन लग गया यहाँ पे। ठीक सर है और अभी फिलहाल इसको एक साइड पे अगर मैं इसकी ये जो पीछे कलर है इसको हटाते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए, कलर को रिमूव करते हैं। ये देखें मेरे पास क्या हो गया, एक साइड के ऊपर वो लग गया। अब हमने क्या किया था इसको मैक्स एसएम के ऊपर एक एक किया था, अब इसको मैक्स एसएम के ऊपर भी जाके देखते हैं। ये देखें ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव हो गया हमारा सारा। ये देखें कर ये सारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, अब आप जिस मर्जी स्क्रीन के ऊपर इसको ले जाएं ये क्या हो गया रिस्पॉन्सिव हो गया। और दूसरा हमारा क्या था, पी एन वर्ल्ड ट्रेनिंग्स। ठीक है पी एन वर्ल्ड ट्रेनिंग्स के ऊपर भी कुछ लगा के देख लेते हैं हम, चलें कोई फुटर उठा लेते हैं इनके। ठीक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फुटर बना हुआ सारा, तो यही वाला फुटर आप देखें यहाँ पे, कोई मेरे पास सिंपल उसने एक HTML का कोड दिया, कोई मेरे पास सामने JavaScript का कोई कोड नहीं है। ठीक है तो इसका मतलब है ये सिंपल मेरे पास क्या है HTML जी की फाइल। तो यहाँ से कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके कंपोनेंट के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं हम, फुटर डॉट JS, और यहाँ पे आके हम इसको करते हैं ये, और यहाँ पे हम अपने रिएक्ट फ्रेगमेंट्स के अंदर आके अपना कोड कॉपी करेंगे और उसके बाद फिर वही कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस, कन्वर्ट HTML टू JSX। और हमें कहाँ पे लगाना है ये, मुझे लगाना है फुटर तो सब पेजेस के लिए होता है। ठीक है तो अगर मैं होम पेज पे लगा दूंगा तो वो जाहिर सी बात है सिर्फ होम पेज के ऊपर शो होगा, तो फुटर सब पेजेस पे शो हो तो मुझे कहाँ पे शो करना पड़ेगा इसको, ऐप डॉट JS, क्योंकि आपको पता है ऐप डॉट JS के अंदर हम जो चीज़ भी रखते हैं वो सबके ऊपर शो होती है। यहाँ पे आके इसके नीचे हम क्या करेंगे फुटर को कॉल करवा देते हैं। अब फुटर को मैंने कॉल तो करवा दिया लेकिन अब दूसरे सेक्शन में हमने नहीं रखा उसको, ये देखें फुटर कॉल हो गया यहाँ पे। ठीक है और ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव फुटर है, ये देखें आप जिस मर्जी स्क्रीन के ऊपर ले जाएं इसको। अब ये देखें कितने मजे की यूआई बन रही है हमारी और हमें टाइम भी नहीं लगाना पड़ रहा, हमें बनी बनाई चीजें मिल रही हैं सारी। हम इसी तरह कैरोजल्स के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमें कैरोजल मिल जाएंगे, ये देखें ये हमारे पास कैरोजल्स आ गए। इसके शो कोड के ऊपर चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे पास फिर सिम से उसने मुझे क्या किया, दो कोड दे दिए यहाँ पे। पहले तो हम ये इसका कोड कॉपी करते हैं और एक अपना एक अलहदा से कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे आके न्यू फाइल, और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं कैरोजल डॉट JS, और यहाँ पे आके हम इसको कैरोजल का अपना क्या करेंगे कोड को कॉपी करेंगे, और इसको हम फिर एट द एंड क्या करेंगे कन्वर्ट क्या कर करें कन्वर्ट करेंगे इसको, हम कन्वर्ट करेंगे HTML टू JSX, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोड भी कॉपी कर लेते हैं इसका, और यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट वाली जगह पे आके जावास्क्रिप्ट का कोड भी इसका पेस्ट कर। अब इसको होम में जो है ना अपने पी एन वाई ट्रेनिंग वाली जगह के ऊपर हम आके क्या करते हैं इम्पोर्ट करवाते हैं, कॉल करवाते हैं इम्पोर्ट कैरोजल, और अब मुझे क्या करना है इसको यहाँ पे आके अपने पी एन वाई ट्रेनिंग वाली जगह पे आके इसको कॉल करवाना। अब चलते हैं वापस और देखते हैं, ये देखते हैं मेरा कैरोजल क्या हुआ लग गया।
अभी जावास्क्रिप्ट का बोल रहा है अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा है। यस का कोर्स है जावास्क्रिप्ट का कोड किया को किया। अच्छा इनके ना कैरोजल में इशू है, ये मैंने जो है ना एक दफा पहले भी ये वाला कैरोजल लगाया था, ये उस टाइम भी काम नहीं कर रहा था ये वाला कैरोजल। तो हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे कैरोजल को ट्राई करते हैं, इस वाले कैरोजल को ट्राई करके देखते हैं ये वाला चलता है कि नहीं। ये देखें ये हमारा वर्क कर रहा ठीक है। अब इसको स्क्रीन के ऊपर लेके जाते हैं दोबारा मैक्स मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, तो ये वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा एक कॉलम के अंदर। ये देखें ठीक है, तो इस तरह से आप टेलमेंट को यूज करते हुए अपनी यूआई को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर आप में से बूटस्ट्रैप की या किसी ने या टेलमेंट फर्स्ट टाइम की आप लोगों ने, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि बूटस्ट्रैप में हमें इस तरह की चीजें नहीं मिलती, जी सर मतलब मिल जाती हैं वहां पे भी कैरोसेल मिल जाते हैं हमें, लेकिन इस लिहाज के नहीं मिलते कि हम एक अच्छी यूआई बना सकें उससे, कुछ तो सिंपल से कैरोसेल मिल जाते हैं यहाँ पे हमें ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं गूगल करूँ ना तो टेलमेंट एलिमेंट वेबसाइट्स, अच्छा एक और हमें मिल जाती है यहाँ पे फ्लो बाय रिएक्ट ठीक है। इसके अंदर भी हमें क्या मिलते हैं, टेलमेंट के सारे कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं। अब फ्लो बाय मुझे रिएक्ट के साथ करना है, यहाँ पे भी आके मैं फ्लो बाय क्या करूंगा। आवाज आ रही है, जी जी सर जी अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे सारे फ्लो बाइट के भी मुझे कंपोनेंट्स मिल गए हैं। अगर मुझे वहां से कुछ नहीं पसंद आ रहा या क्या कहते हैं मुझे कोई चीज नहीं मिल रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ फ्लो बाइट रिएक्ट को भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे आके हमें डिफरेंट कैरोसेल्स इसमें भी मिल जाते हैं, ये देखें टैब्स इसमें भी मिल जाते हैं हमें, इसमें भी हमें वैसे ही कोड मिल जाता है, लेकिन इसमें हमें HTML का कोड नहीं मिलता, इसमें आपको JSX का कोड मिलेगा ठीक है। इसी तरह मैं जी आपको एक और बता देता हूँ डेजी यूआई, ये देखें डेजी यूआई टेलमेंट CSS, ये बड़े मजे की चीज है, ये मैं खुद भी यूज करता हूँ सर और इसमें अब आप देखें तो इसमें भी आपको बड़े मजे की चीजें हैं, यहाँ ड्रॉप डाउन वगैरह मिल जाते हैं ये देखें। और मजे की बात इसमें आपको तीनों कोड मिल जा दो कोड मिल जाते हैं HTML और JSX, आप कोई भी यूज करना चाहते हैं इसमें से आप कर सकते हैं। मॉडल्स आ जाते हैं इसमें, ये देखें आप देखा होगा अक्सर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक पॉपअप आ जाता है हमारे पास, जी सर ये देखें इसमें बड़े मजे के आपको मॉडल्स मिल जाते हैं। और इसमें इसमें कार्ड्स बहुत मजे के हैं, ये देखें कार्ड्स इसके ग्लासी इफेक्ट्स के साथ भी इसके अंदर कार्ड्स हैं ये देखें। जी ठीक है, तो आप लोग अब जितना टाइम बचा आधा घंटा आप लोगों के पास, तो आप लोग करें प्रैक्टिस करें इसकी और इसको कॉन्फ़िगर करें टेलमेंट को और इसको यूज़ करें अपने प्रोजेक्ट में। अगर कोई इशू है तो पूछें, मैं यहीं पे हूँ 12 बजे तक। ठीक है सर
हेलो सर जी। जी। सर जी मैंने आपको कहना था कि वो कंफिगर हो गई है, तो बस ठीक है, तो क्लास एंड कर दें बेशक आप। चले ठीक हाँ जी ठीक है सर जी, थैंक यू, ओके है। ओके, जी लाइस। अल्लाह हाफिज। हेलो जी। सर जी, वो ये जो यूट्यूब का लिंक है तो ये मिल जाएगा फिर ग्रुप में, या आप कर देंगे सेंड? ये आ जाएगा आप लोगों को, मिल जाएगा। चले ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच।